Okay, so till now we have discussed question number 14. Now we will discuss question number 19. Okay, let us read the question. If you wish to take a picture of your image while standing 5 cm in front of a plane mirror, for what distance you should set your camera to provide the sharpest focus? Okay, so question ये कह रहा है कि आप अपनी एक picture लेना चाहते हो, लेकिन आप अपनी खुद की नहीं, आप अपनी इमेज की पिक्चर लेना चाहते हो, इमेज का फोटो खींचना चाहते हो, और इस वक्त आप एक प्लेन मिरर के 5 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हो. नाउ इफ यू आर स्टैंडिंग इन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? आपकी इमेज वर्चुअल होगी और मिरर के पीछे बनेगी, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगी फ्रॉम द मिरर, मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे. सो इट मीन्स जो इमेज है उसका डिस्टेंस आपसे जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. सो इट इज ट्राइंग टू से कि आपको अपना जो कैमरा है वो किस पोजीशन पे फोकस करना है, कितनी दूर के लिए फोकस करना है, ताकि आपकी इमेज की एक क्लियर पिक्चर बन सके. सो लेट अस से दिस इज अ मिरर. Let us say this is a mirror. Okay, let us say this is a mirror. इस मिरर के आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पे खड़े हो. सो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द मिरर इज 5 सेंटीमीटर. एग्जैक्टली यहां से आपकी इमेज पीछे की तरफ 5 सेंटीमीटर पे बनेगी. लेट अस मेजर दिस. कहीं यहां पे कुछ इस तरह से, this will be your image, and again this is also 5 centimeters. अब आप यहां से अपनी इमेज की फोटो लेना चाहते हो, सो जिसे हम सेल्फी कहते हैं, लाइक दिस. सो आपको कैमरा जो होल्ड करना है वो भी एग्जैक्टली यहीं पे होल्ड करना है. सो इट मीन जो आपका कैमरा है वो भी मिरर से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे. नाउ जो इमेज है, जिस चीज की हमें पिक्चर लेनी है, जिस चीज को फोटो खींचनी है, जिस चीज की, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पे रखा है, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो इट मींस ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा है जिसकी आप पिक्चर लेना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी इमेज का फोटो खींचना चाहते हो. अब अपनी इमेज का फोटो मींस आपका जो इमेज है वो आपके लिए क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट जिसकी आप फोटो लोगे. सो फ्रॉम दिस पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सो ओवरऑल 10 सेंटीमीटर. सो फॉर व्हाट डिस्टेंस यू शुड सेट योर कैमरा टू प्रोवाइड द शार्पेस्ट फोकस, सो यू नीड टू फोकस योर कैमरा फॉर 10 सेंटीमीटर टू गेट द शार्पेस्ट फोकस. बिल्कुल क्लियर पिक्चर के लिए आप उसको 10 सेंटीमीटर पे सेट करें, देन यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ दिस इमेज. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 सेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ +2.5 मैग्निफिकेशन. मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है दो तरह के, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 में लेट अस से मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO. जैसा कि हम जानते हैं height of image upon height of object is the magnification, which is equals to minus V by U. Now, let us try to understand this formula. Okay, we have understood it back
when we were discussing about the mirror formula. Then let us discuss it again, because we need to find the significance of 2.5. मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि 2.5 मैग्निफिकेशन तो होता है, जैसा आप बोलते हैं कि चश्मा जो है हमारा ये प्लस का है कि माइनस का, इसी तरह से मिरर जो होता है अल्टीमेटली द स्पेक्ट्स आर लेंस, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. लेकिन जो मिरर है, मिरर क्या है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, फोकल लेंथ हमने देखा था. उसी तरह से मैग्निफिकेशन भी जब पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो अलग अलग तरह के मिरर्स होते हैं, मतलब मिरर के और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन द मैग्निफिकेशन हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इमेज का नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, ऑल दिस. मतलब हमें 2.5 मैग्निफिकेशन का महत्व बताना है, या कहें प्लस 2.5 मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंस बताना है, उसका महत्व बताना है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फॉर्मूला. अब सबसे पहले चीज तो हम ये देखेंगे जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है उसका मतलब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद हम साइन कन्वेंशन पे आएंगे. ओके, सो हमने ये देखा कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपकी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, सो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड इमेज है. अब सोचिए अगर लेट से हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इट मींस मैग्निफिकेशन जो होगा, इट मींस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1. सो अगर मैग्निफिकेशन 1 हुआ, इट मींस सो इमेज इज diminished. Now, अगर height of image object की height के बराबर हुआ या उससे बड़ा हुआ, so it means magnification जो होगा वो अगर height of image बड़ा हुआ, so it means जो magnification होगा वो भी 1 से बड़ा होगा. We have discussed this, so we will say कि image जो बन रही है वो मैग्निफाइड बन रही है, या फिर कहें एनलार्ज बन रही है. नाउ इफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1. सो मैग्निफिकेशन 1, इट मींस सेम साइज, मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो ना तो छोटी होगी ना वो बड़ी होगी, वो बिल्कुल बराबर साइज की होगी, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन, हम ये बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसा है, क्या वो डिमिनिश्ड है, क्या वो मैग्निफाइड है, या इमेज जो है वो सेम साइज की बन रही है. सो वी हैव हेयर वैल्यू ऑफ m इज गिवन एज प्लस 2.5. So 2.5 is what? 2.5 is a value greater than 1. So 2.5 is what? It is a value which is greater than 1. मतलब ये 1 से बड़ी है. अगर ये value 1 से बड़ी है, so it means this is a the image is magnified, or we can say it is enlarged. मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी होगी. कितना बड़ी होगी? 2.5 टाइम्स बड़ी होगी. वी कैन सी दिस. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन को समझते हैं. हमने ये देखा था कि जब भी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो वो इरेक्ट होती है. मतलब वर्चुअल इमेज का जो साइन है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज है, वो बिल्कुल वही होता है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन होता है. ऐसा हमने देखा था. आई गेस यू रिमेंबर दिस. नाउ और रियल इमेज में देखा था, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड इमेज जब भी फॉर्म होती है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव. सो वी कैन राइट अ सिंपल कंक्लूजन, वी कैन राइट इट एज कि फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज
एच आई जो होगा हाइट ऑफ इमेज वो होगा नेगेटिव, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए हम क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली वेरी इजीली फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। रे जो डायग्राम्स हमने स्केच किए थे, जो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स थे, फ्रॉम दैट यू कैन रीड दिस। नाउ अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, सो इस फॉर्मूले में जैसे ही हम पुट करेंगे, सो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, सो एम विल बी नेगेटिव वैल्यू। ओके, नाउ फॉर वर्चुअल इमेज क्या था, वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो इमेज भी ऊपर ही बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट नीचे होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज भी नीचे ही फॉर्म होती है। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट का जो साइन कन्वेंशन है और आपकी इमेज का जो साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल सेम होगा। लेकिन वही रियल इमेज में क्या था, रियल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, ऐसा हमने देखा था, इन्वर्टेड इमेज जिसे हम कहते हैं। बट इन वर्चुअल इमेज इट इज इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज, सो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी पॉजिटिव है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, सो इट मीन्स मैग्निफिकेशन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इफ इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो यहां हम देख सकते हैं कि साइन जो मैग्नीट्यूड था उससे तो हमने पता लगा लिया कि इमेज मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है, साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन किसके लिए यूज होता है, पॉजिटिव साइन हमेशा वर्चुअल इमेज के लिए यूज होता है, और वर्चुअल इमेज के बारे में हमें पता है कि यहां पे हम लिख सकते हैं इमेजेस वर्चुअल, जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट तो होगी ही होगी, सो इमेजेस इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। जो भी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होगी वो सभी क्या होंगी, इरेक्ट होंगी, लेटरली इन्वर्टेड होंगी, और इस केस में मैग्निफाइड मिलेंगी या फिर एनलार्ज कहें एनलार्ज मिलेगी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस 2.5 मैग्निफिकेशन इज दैट कि इमेज जो होगी वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन नोट दिस। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे ये जानना चाहता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। क्या हम प्लेन मिरर की फोकल लेंथ को पता लगा सकते हैं? यस, वी कैन डिड्यूस द प्लेन मिरर्स फोकल लेंथ। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं एक प्लेन मिरर की बात करूं, सो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट लेट से u सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, सो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी एग्जैक्टली u सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म होगी, इमेज इज एट u सेंटीमीटर डिस्टेंस। लेट अस से कि जो लाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर रही है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा हमने मिरर्स में देखा, देखिए स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उससे हमने डिराइव किया था मिरर फॉर्मूला, बट मिरर फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स में ही एप्लीकेबल है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द प्लेन मिरर ऑल्सो, प्लेन मिरर्स या और कोई मिरर्स, पैराबोलिक मिरर होते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोला जाता है जिन्हें, और कोई शेप के अगर मिरर्स होते हैं, तो सभी मिरर्स में ये चीज एप्लीकेबल है।
इट डजेंट मैटर कि जो मिरर है वो स्फेरिकली होना चाहिए, आप प्लेन मिरर में भी यूज करें, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला, हर चीज यू कैन इजिली यूज इट. सो इमेज डिस्टेंस हमने देखा, जो इमेज का डिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज पी. सो डिस्टेंस ऑफ इमेजेस इमेज का डिस्टेंस कितना है, इमेज का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा है, पोल यहां पे है. सो पोल से राइट साइड के डायरेक्शन में जाके हम इमेज तक पहुंचेंगे, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. डिस्टेंस ऑफ इमेज के बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट इज अगेन यू बट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. वी कैन सी दिस, पोल से हमें लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट तक आने के लिए, हेंस वी विल अज्यूम इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें पता करनी है. नाउ लेट अस यूज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. इट इज वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू, सॉरी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू. वॉट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज यू विच इज पॉजिटिव. सो आई विल राइट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू पॉजिटिव. वॉट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज यू बट इट इज नेगेटिव. सो आई विल राइट वन अपॉन यू विद अ नेगेटिव साइन, एक माइनस साइन के साथ हम इसे लिख देते हैं. इसे अगर सॉल्व करें सो यू विल गेट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू. कैन सी दिस, वन अपॉन प्लस यू प्लस वन अपॉन माइनस यू. सो वेन सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू एंड यू विल गेट वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन सॉरी जीरो अपॉन यू. यू विल गेट एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन यू. इसको माइनस कर देंगे, वन माइनस वन इट विल बी जीरो. सो यू विल गेट एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो. यू विल गेट एफ दैट इज द फोकल लेंथ, दैट इज वन अपॉन जीरो. नाउ वॉट इज वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी. 1 upon 0 is infinity. So I will say focal length of this mirror is equals to 1 upon 0. So focal length of a plane mirror is infinite. मतलब बहुत बड़ी. Infinite का ये मतलब नहीं होता कि ये value determine नहीं करी जा सकती. Infinite मतलब बहुत ज्यादा बड़ी value. बहुत ही मतलब extreme. मिलियंस बिलियंस ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू जो होगी उसे हम इनफाइनाइट मान सकते हैं. सो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 21. यू कैन नोट दिस.